ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ನೀಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಆಹಾರ ಸಚಿವ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇಮ್ರಾನ್ ಹುಸೇನ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಶೇಕಡ 40% ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ಏನೇ ಭಾಷೆ ಪ್ರಮಾಣ ನೀಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀರು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೆಲಸ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇವರುಗಳಲ್ಲೇ ರೇಸ್ ಇದೆ, ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು. ಇವರು ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಓಟ್ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಎಎಪಿ ಜಗತ್ತಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಗದಗ ಜನರು ಕೂಡ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎಂದು. ಗದಗದಲ್ಲಿ 25 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಜನರು ಕೂಡ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀರು ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಏನೇ ಭಾಷೆ ಪ್ರಮಾಣ ನೀಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅವರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರು ಕೂಡ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎಂದು. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು, ಅದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಎಪಿಗೆ ಜನ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. कैमरामैन जगदीश श्रुति, अशोक हुकर, NKSTV4 गदगा. अमेरिका से आते हैं, जापान से आते हैं और दूसरे दुबई से आते हैं, सऊदीया से आते हैं, दूसरे मुल्कों से आते हैं और दिल्ली आते हैं. और जब वो वहाँ की गवर्नमेंट की गवर्नेंस मॉडल को देखते हैं तो यहाँ से जाके वहाँ बताते हैं. उसी की वजह पंजाब ने उस पर अपनी मोहर लगाई. 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई और आज पूरे देश के लोग चाहते हैं कि हर राज्य में आम आदमी पार्टी आए, ईमानदार सरकार आए, भ्रष्टाचार देश से खत्म होना चाहिए. आम जनता यही चाहती है और ये चाहती है कि जो पार्टी आम जनता के सुख दुख में खड़ी रहे, उनके लिए काम करे, टैक्स का पैसा वापस उनके ऊपर लगाए. ये नहीं कि खा जाए घोटाले करके, भ्रष्टाचार करके, कमीशन लेके. तो लोग बाग दुखी आ चुके हैं. लोग बाग चाहते हैं कर्नाटक में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बने और आज हम लोग यहाँ आए. लोगों में बड़ा उत्साह दिखा और पीजी शेख साहब एक ईमानदार कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल जी के नुमाइंदे. मेरी आपके चैनल के माध्यम से भी ये लोगों से अपील है, ये ज़्यादा से ज़्यादा वोट से इन्हें जिताएं और ताकि ये जीतने के बाद सबसे अपने घर न जाए, सबसे पहले अपने क्षेत्र में आए. और आप गदक के लोगों का शुक्रिया अदा करें, थैंक्स करें और पहले दिन से ही काम में लग जाएं, लोगों की सेवा में लग जाएं. आप रोड शो किया सर, इधर रोड शो में लोगों का रिएक्शन कैसा लगा सर आपका? नहीं, लोगों का रिएक्शन था, लोग बाग देख रहे थे. आम आदमी पार्टी का मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा, जब अरविंद केजरीवाल जी का आम आदमी पार्टी का जिक्र आता है तो आपने अभी हमारा स्लोगन भी सुना होगा, ये सत्ता बदलनी चाहिए, ये भ्रष्टाचार की जो सत्ता है बदलनी चाहिए. लोगों को पता है, दूसरी पार्टियों के बारे में सबको पता है. लोग बाग जब आम आदमी पार्टी को के हम लोग जाते हैं, मिलते हैं लोगों से, तो लोगों के फेस पे एक अलग स्माइल आती है, खुशी होती है लोगों के चेहरे पे और लोग वेलकम करते हैं. सबसे बड़ी मतलब ये हमारी पार्टी की कह लो या ईमानदारी कह लो, ये जीत है. सर आप गदग आ गए हैं चुनाव प्रचार के लिए, लोगों का रिएक्शन कैसा है सर? लोग बहुत पसंद कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को. कर्नाटक के लोग, खासकर गदग के लोग जो है, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस सबको आजमा चुके कर्नाटक के लोग. आज कर्नाटक जो है पूरे देश के अंदर सबसे तरक्की वाला राज्य है. देश की, विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ मौजूद हैं और बड़ा नाम है पूरी दुनिया में कर्नाटक का. लेकिन जब लोग बाग बाहर से यहाँ आते हैं तो क्या देखते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा नाम जो है बोलबाला जो है वो करप्शन का है. आज कोई भी वेंडर यहाँ ठेका उठाता है उसे 40-40% कमीशन देना पड़ता है. और कांग्रेस जीते, बीजेपी उसके लोगों को खरीद लेती है, सरकार बना लेती है और ये लोग जितने वादे करते हैं एक भी पूरा नहीं करते. इसमें जो है ना रेस लगी हुई एकदम कि कौन भ्रष्टाचार ज़्यादा करेगा. तो लोग बाग सब जानते हैं कि इनसे परेशान आ चुके हैं. लोगों को पता है कि ये सिर्फ जाति, धर्म, मजहब के नाम पे वोट मांगते हैं. अगर आम आदमी का दुख दर्द कोई समझता है, आम आदमी की फीलिंग्स कोई समझता है, आम आदमी की ज़रूरत कोई समझता है तो उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल उस लीडर का नाम है जो ये जानता है कि आज
लोग बाग चाहते हैं कि उनके बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन बिल्कुल फ्री मिलनी चाहिए। आज हम गदक में आए, यहाँ से हमारे कैंडिडेट हैं पीर साहब, शेख साहब, यहाँ पानी की इतनी समस्या है कि 25-25 दिन पानी नहीं आता है, और उसके बाद भी जब झगड़ा करते हैं लोग तब पानी आता है। और दशकों से यहाँ से आप कांग्रेस को जिता के भेज रहे हो, पाटिल साहब जीत के आ रहे हैं, हर बार वादा करते हैं लेकिन काम नहीं हुआ। लेकिन आम आदमी पार्टी जो वादा करती है वो काम करती है। आज बहुत बड़ी यहाँ पे जो समस्या है वो रोजगार की समस्या है। आज बहुत बड़ी समस्या है यहाँ, लोग बागों को चाहते हैं कि उनके बच्चों को ना शिक्षा मिले और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिले, फ्री मिले। लोग चाहते हैं उनको वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज मिले और वो भी बिल्कुल फ्री मिले। महिलाओं को और गदक को और कर्नाटकों को सुरक्षा मिले, घर घर पे CCTV कैमरा लगा होना चाहिए, यहाँ घर घर तक पानी मिलना चाहिए, यहाँ पे घर घर बिजली फ्री आनी चाहिए। लोग बाग कर्नाटक के लोग भी चाहते हैं, और अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम दिल्ली में किए हैं वो एक मिसाल बन गए। पहले हम लोग सुनते थे कोई अमेरिका से आता था, बाहर से विदेश से आता था, तो हम वो बताता था कि वहाँ पढ़ाई का बिल्कुल खर्चा नहीं है, एजुकेशन फ्री है, वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज फ्री है, वहाँ बिजली फ्री है, वहाँ लोगों को ये राशन फ्री है, ये फ्री है, वो फ्री है, तो हम हैरत करते थे। आज जो लोग